Good morning student, welcome again to OCI video classes. Today we are going to discuss malloc function in dynamic memory. In this function we will know the how to generate memory and how to give the size of the memory when we are needed for upcoming एलिमेंट स्टोरेज में, यानी कि आने वाले एलिमेंट जो भी हमारे माइंड में होंगे उनको कैसे कितने साइज के लिए स्टोर करना चाहते हैं या कितने एलिमेंट हम स्टोर करेंगे तो उनके लिए क्या मेमोरी साइज होना चाहिए, इस चीज़ को हम पहले से डिसाइड कर लेते हैं। तो इस चीज़ को हम एक फंक्शन के माध्यम से समझेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको कुछ और भी बताना चाहूँगा जो लास्ट वीडियो में शायद थोड़ा सा छूट गया था, तो उसको आइए पहले डिस्कस कर लेते हैं। जैसा कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि हमारे पास डायनेमिक मेमोरी एलोकेट करने के लिए फंक्शंस होते हैं तीन, जैसे कि मैलॉक फंक्शन, कैलॉक फंक्शन, थर्ड वन रियलॉक फंक्शन एंड लास्ट वन इज जो कि मेमोरी को फ्री करता है, फ्री फंक्शन। तो मैलॉक फंक्शन, ये जो मैंने फंक्शन की बात कही है, जो चार फंक्शन आपको बताए हैं, ये आपके जो स्टैंडर्ड लिब जो हेडर फाइल होती है, यानी ये इस हेडर फाइल में ये फंक्शन रहते हैं। तो इसलिए जब हम इस हेडर फाइल के किसी भी फंक्शन को कॉल करते हैं तब इस हेडर फाइल को हमें सुपर अपर मोस्ट पार्ट पर प्लेस करना पड़ता है जहां पर हम अपनी हेडर फाइल्स लगाते हैं, तो इस बात को हमें ध्यान रखना है। दूसरी चीज यहां पर जो होगा, जब हमने मैलॉक फंक्शन यूज किया है, इस मैलॉक फंक्शन में क्या है, कॉन्टिन्यूस मेमोरी एलोकेट होगी और उस मेमोरी कॉन्टिन्यूस मेमोरी एलोकेट होगी और फर्स्ट बाइट का जो एड्रेस होगा वो यहाँ पर मैंने आप देखे, मैंने PTR करके वेरिएबल ले रखा है, इस वेरिएबल के पास में वो फर्स्ट बाइट का एड्रेस रहेगा जिस पर हम फर्स्ट टाइम में डेटा डालेंगे और उसको प्रिंट कराएंगे। इसी प्रकार से आगे हम इस प्रोग्राम को बढ़ती हुई सीरीज में देखेंगे और समझेंगे। तो आइए देखते हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर मैंने क्या कर रखा है कि यहाँ पर इंटीजर टाइप का एक मैंने n सिंपल वेरिएबल ले रखा है, एक i वेरिएबल ले रखा है और उसके बाद में मैंने एक PTR का वेरिएबल ले रखा है, यानी कि पॉइंटर टाइप का वेरिएबल ले रखा है, क्योंकि जो हमारा मैलॉक फंक्शन है ये क्या करेगा कि फर्स्ट बाइट का एड्रेस जो होगा, यानी कि फर्स्ट बाइट का जिसपे हमारा डेटा पहली बार पड़ेगा, उस बाइट का एड्रेस जो होता है वो हमारा इसके पास रहता है एड्रेस, पॉइंटर टाइप का वेरिएबल ही ऐसे एड्रेस को होल्ड कर सकता है। ये चीज हम पहले ही आपको पढ़ा चुके हैं कि जो भी पॉइंटर टाइप के वेरिएबल्स होते हैं वो उसी दूसरे वेरिएबल या किसी वेरिएबल का मेमोरी एड्रेस ही होल्ड कर रखते हैं। तो इसलिए हमें इस बात को ध्यान रखना चाहिए। आगे देखते हैं कि हमने सबसे पहले एक मैसेज दिया है यूजर को, एंटर द साइज ऑफ मेमोरी, यानी कि यूजर मेमोरी कितनी लेना चाहता है, यही ये पॉइंट जो है इंडिकेट कर रहा है कि ये डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन का प्रोग्राम है। तो यहाँ पर क्या बताया गया, पूछा गया है कि एंटर द साइज ऑफ मेमोरी, जितनी आपको मेमोरी यानी जितने एलिमेंट आपको स्टोर करने हैं उतनी मेमोरी आप उतने एलिमेंट के लिए मेमोरी का साइज दें। तो हमने यहाँ पर एक स्कैनर में एक n वेरिएबल दिया जिसमें मैंने वो एलिमेंट नंबर ऑफ एलिमेंट, जैसे मुझे 5 स्टोर कराने हैं तो मैंने सपोज मैं मान के चलता हूँ कि मैंने बोला है कि मुझे 5 एलिमेंट स्टोर कराने हैं, इसके लिए आप मेरी मेमोरी बनाइए। अब होगा क्या, यहाँ पर आगे देखें तो ये मैलॉक फंक्शन है जो कि पूरा हम इसको समझ लेते हैं। यहाँ पर ये मैलॉक फंक्शन है, मैलॉक फंक्शन का काम होता है डायनेमिक मेमोरी बनाना, लेकिन मैलॉक कोई भी फंक्शन हो वो रिटर्न टाइप जरूर देता है, ये हमने आपको बहुत पहले से पढ़ा रखा है। तो इसका रिटर्न टाइप क्या हो गया, इंटीजर हो गया। और जो मैलॉक फंक्शन है ये जो साइज जितना साइज ऑफ मेमोरी तैयार करेगा तो वो क्या है, यहाँ पर हमने इंटीजर में जैसे हमें 5 एलिमेंट रखने हैं जो कि इंटीजर टाइप के होंगे और 2-2 बाइट मेमोरी कवर करेंगे, ये हम जानते हैं क्योंकि इंटीजर 2 बाइट लेता है। तो उसी रेशियो में मान लीजिए हमने एन में दिया 5 मेरे एलिमेंट है, ध्यान रखना, उसके बाद में इंटू और साइज ऑफ इंट, क्योंकि इंट साइज का मतलब यहाँ पर ये है स्टूडेंट्स कि हमारा इंटीजर जो एक नंबर होता है वो कितना साइज देता है, 2 बाइट। तो यहाँ पर हम
बता रहे हैं कि जो इंटीजर है मेमोरी कवर अप करता है 2 बाइट, और साइज ऑफ जो फंक्शन है वो इसलिए है क्योंकि वो किसी भी डेटा टाइप का साइज बता देता है कि वो कितना साइज लेने वाला है। तो यहाँ पर इंटीजर जो होगा वो 2 बाइट कवर अप करेगा। इस तरीके से टोटल हुआ हमारा 10 बाइट। यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ 10 बाइट। ये 10 बाइट की मेमोरी जो होगी एलोकेट हो जाएगी, बन जाएगी, और फर्स्ट बाइट का जो एड्रेस होगा वो हमारा PTR वेरिएबल में आ जाएगा। इस प्रकार से अब मेमोरी तो हमारी जनरेट हो गई, ये हमें समझ में आ गया। बट अब हमें चेक करना है क्या फर्स्ट बाइट का एड्रेस जो है वो हमारे PTR के पास है या नहीं, इस बात को हमें चेक करना है। तो आइए चेक करते हैं कैसे। इफ PTR इक्वल नल, अगर हमारा PTR नल है यानी कि फर्स्ट बाइट का एड्रेस अगर इसको नहीं दिया गया है तो क्या होना चाहिए, यहाँ पर होना चाहिए मेमोरी इज नॉट एलोकेटेड, यानी कि यूजर को मैसेज मिलना चाहिए कि आपकी मेमोरी जनरेट नहीं हुई है। कारण कुछ भी हो सकता है, वी डोंट नो, हम नहीं जानते, सिस्टम के पास हो सकता है कारण ऐसा हो, उसके पास मेमोरी के लिए जो साइज चाहते हैं वो बचा ही ना हो, ऐसा भी हो सकता है। और उसके बाद मैंने क्या किया है, एग्जिट फंक्शन लगा दिया, और एग्जिट फंक्शन लगाने के बाद में एग्जिट फंक्शन क्या करेगा, यहाँ से तुरंत हमारे प्रोग्राम का टर्मिनेशन कर देगा। लेकिन इस प्रोग्राम का दूसरा पहलू है एल्स पार्ट, उसमें क्या किया आइए देखते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है मैसेज मिलेगा एंटर एनी, अगर मैंने 5 एलिमेंट के लिए मेमोरी जनरेट की थी तो यहाँ पर लिखकर आएगा 5, क्योंकि परसेंटेज डी, और इधर देखें आप एन रखा हुआ मैंने, क्योंकि एन में मैंने पहले से ही साइज एलिमेंट दिया था, ठीक है, एलिमेंट नंबर ऑफ एलिमेंट दिए थे। तो यहाँ पर लिखेगा एलिमेंट एंटर एनी 5 एलिमेंट्स, यूजर को मैसेज मिल जाएगा। अब यूजर क्या करेगा, अपने एलिमेंट को इनपुट करेगा। अब यहाँ पर देखें एक लूप चला रखा है जिसमें आई को 0 इनिशियलाइज किया है, आई लेस देन एन एंड आई प्लस प्लस। अब क्या हुआ, यहाँ पर स्कैनर फंक्शन हमारा रन होगा, PTR के पास क्या है, फर्स्ट मेमोरी बाइट का एड्रेस जो कि हमारी इंटीजर डेटा टाइप को स्टोर करने के लिए एलोकेट हुई है। तो अब यहाँ पर आप देख रहे होंगे M% नहीं लगा है, क्योंकि M% साइन इसीलिए लगाया जाता है कि जब हम किसी वेरिएबल पर डेटा डालना चाहते हैं तो उसका रेफरेंस चाहिए होता है। बट PTR वेरिएबल यानी कि पॉइंटर टाइप का वेरिएबल ऑलरेडी रेफरेंस रखता है, तो इसलिए हमें दोबारा रेफरेंस बताने की जरूरत नहीं है, इसलिए हमें यहाँ पर M% का साइन लगाने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। हम क्या करेंगे, सीधे PTR लिख देंगे। अब क्या करेगा स्कैनर फंक्शन, क्या होगा, उस एड्रेस पर वैल्यू को इनपुट करेगा यानी कि रखेगा। उसके बाद तुरंत ही मैंने इसी लूप में PTR प्रिंटर फंक्शन लगा के मैंने उस वैल्यू को प्रिंट भी किया हुआ है, ये भी आप देखें, और उसके बाद मैंने \n दिया है। क्यों, क्योंकि जो मेरा अगला एलिमेंट है वो न्यू लाइन पे है, इसलिए। लास्ट में देखें आप, मैंने क्या किया हुआ है PTR++, ऐसा मैंने क्यों किया, इसका रीजन है कि यहाँ पर जैसे 2 बाइट पे, मैं थोड़े ब्लॉक बना के दिखा देता हूँ आपको इजी वे में, जैसे ये मेरे नंबर ऑफ ब्लॉक हो गए, यहाँ पे सपोज दैट मैंने 10 डाल दिया, उसके बाद में जब PTR++ होगा तो PTR क्या करेगा, जो फर्स्ट मेमोरी का एड्रेस मान लेते हैं वो है हमारा 10, ठीक, 10 एड्रेस मैंने मान लिया। अब क्या हुआ कि PTR++ होगा, तो PTR कितने से प्लस होने वाला है, 2 बाइट से, क्योंकि इंटीजर एक वेरिएबल यानी एक एलिमेंट जब स्टोर होगा मेमोरी पे तो वो 2 बाइट की मेमोरी कवर करेगा, तो 2 से इंक्रीमेंट होगा, तो अगला जो होगा वो 10+2 बाइट, इंटीजर का अगला एलिमेंट कितने बाइट लेगा, 2 बाइट, तो टोटल क्या हुआ 12। इस तरीके से अगला मेमोरी एड्रेस होगा 12, यहाँ पे एलिमेंट मान लीजिए हमने डाला है 5, अगला इसके बाद मेमोरी एड्रेस जो होगा वो 2 से इंक्रीमेंट फिर होगा, इस तरीके से 14, 16, 18, और एलिमेंट जो भी चाहें हम डाल सकते हैं यहाँ पर इस तरीके से। तो इस तरीके से क्या होगा, हमारा पूरा लूप चलता चला जाएगा, सारे एलिमेंट प्रिंट होते जाएंगे नई लाइन पे, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा पूरा प्रोग्राम रन हो रहा है। तो ये तो था मैलॉक फंक्शन,
जिसको हम डायनेमिक मेमोरी जनरेट करने के लिए अपने प्रोग्राम में यूज़ करते हैं। अगर इसमें कोई भी अगर आपको प्रॉब्लम हो, ना समझ में आया हो, तो अगर कोई क्वेरी हो आपकी व्हाट्सएप पे लिखकर या हमारे वीडियो पे कमेंट करके या आप हमसे डायरेक्ट कॉल करके पूछ सकते हैं। इस वीडियो में स्टूडेंट इतना ही। थैंक यू स्टूडेंट।